दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को बेहतरीन कप्तान और खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विश्व कप 2023 के फाइनल में जब पता चला कि रोहित शर्मा बेईमानी से आउट किए गए थे और इसके बाद भारत के दिग्गज नीता अंबानी और रतन टाटा तक गुस्से में नजर आए हैं और फिर उसके बाद मैच को दोबारा कराने के लिए ऐसा फैसला और बड़ा बयान दे डाला है कि सुनकर हर एक भारतीय दंग रह गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बेईमानी से आउट करार दिया। इसमें एम्पायर भी शामिल रहे। इस बात की पुष्टि मुकाबले के बाद हुई तो इसके बाद अब रतन टाटा से लेकर नीता अंबानी तक भावुक नजर आए हैं और उन्होंने गुस्सा में बौखलाते हुए अपना बड़ा बयान जारी किया है। तो ऐसे में आकर क्या है पूरी खबर की सच्चाई, इस रिपोर्ट में सब कुछ बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, अगर बेईमानी से रोहित शर्मा को आउट ना किया होता तो क्या भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया हरा पाती? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। दोस्तों, विश्व कप 2023 के अंतर्गत फाइनल महामुकाबला 19 नवंबर 2023 को खेला गया। इस दिन को वैसे तो पूरे भारतीय फैंस भूलना चाहेंगे मगर भूल नहीं पाएंगे क्योंकि इस महामुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बेहद शर्मनाक प्रदर्शन किया। शुरुआत में शुभमन गिल 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। आगे बढ़े तो रोहित शर्मा ने 31 गेंदों में 47 रन जरूर लगाए थे, 4 चौके, 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर। मगर उनको भी ग्लेन मैक्सवेल ने आकर 10वें ओवर में ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी। इसके बाद विराट कोहली ने 63 गेंदों में 54 रन और केएल राहुल ने 107 गेंदों में 66 रन की पारी खेली और अपनी टीम को 240 तक ले गए और पूरी टीम 50 ओवर में ऑल आउट हो गई। 241 रन के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया उतरी तो जो कि खतरनाक टीम है आसानी से इस महामुकाबले को जीत लिया। हालांकि वार्नर तो 7 रन पर आउट हो गए थे मगर इसके बाद मिशेल मार्श 15 और स्टीव स्मिथ 4 रन पर चले गए थे। भारतीय गेंदबाजों ने भारतीय टीम की वापसी कराई थी। इसके बाद भारतीय टीम के सामने ट्रेविस हेड ने 137 रन की जो पारी खेली हुआ है, भारतीय टीम को एक तरफा चकनाचूर करके चली गई। लाबुसा ने 58 रन बनाकर इस महामुकाबले को ऑस्ट्रेलिया की झोली में 43 ओवर में डाल दिया और 6 विकेट से 6वीं बार विश्व कप का फाइनल महामुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर इतिहास रच दिया। मगर मुकाबला समाप्त हुआ उसके बाद बड़ी स्क्रीन पर बड़ी बड़ी फोटो वायरल हुई है जिनको देखने के बाद भारत का 140 करोड़ दर्शक और साथ में पूरे दिग्गज सब कोई निराश नजर आए हैं क्योंकि विश्व कप एक बड़ा टूर्नामेंट और इसके फाइनल महामुकाबले में बहुत बड़ी बेईमानी सामने निकल कर आई है। सबसे पहली बेईमानी तो रोहित शर्मा का कैच आउट रहा, जहां देखा गया कि रोहित शर्मा का कैच ट्रेविस हेड ने लिया था, गेंद जमीन पर लग गई थी, उसके बाद भी एम्पायर ने चेक नहीं किया और पूरी मिली भगत से साजिश के तहत भारतीय टीम को हराया गया। अगर रोहित शर्मा जम जाते तो भारतीय टीम आसानी जीत जाती। दूसरी तरफ इस वाक्य को लेकर मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी बेहद ज्यादा भावुक नजर आई और उन्होंने बयान दिया। उन्होंने अपने बड़े बयान में कहा कि मैं बेहद ज्यादा दुखी थी जब भारतीय टीम मुकाबला हारी थी। इस साल सभी को पता है कि भारत मुकाबला जीतने वाला था। जिस तरीके से सम्मानजनक प्रदर्शन भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में किया था वह सच में सराहनीय रहा है। मेरे हिसाब से यह महामुकाबला आसानी से भारतीय टीम जीत सकती थी। रोहित को मैंने मुंबई से खेलते हुए देखा है, रोहित की काबिलियत को मैं जानती हूँ। उसने मुंबई इंडियंस को इतने ज्यादा टूर्नामेंट जिताए हैं जितना कोई भी दूसरा आईपीएल की टीम नहीं जीत पाई है, तो मैं उसकी काबिलियत पर शक नहीं कर सकती। इस मैच में भी वह कप्तानी पारी खेलने वाला था मगर उसके साथ बेईमानी की गई। जब मेरी नजरों में वह एक तस्वीर आई जब हेड नाम के खिलाड़ी ने उसको गलत तरीके से आउट किया और फिर एम्पायर्स ने भी गलत आउट दिया, ऐसे में एम्पायर्स को ध्यान रखना चाहिए। मैं मानती हूँ इस महामुकाबले को फिर से कराया जाना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आईसीसी का एक बड़ा टूर्नामेंट जो कि क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है उसमें इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। भारतीय टीम की हार कोई सोच भी नहीं सकता था मगर इसमें बेईमानी से हराया गया, यह सच में दुखी करने वाला है क्योंकि सिर्फ मेरा ही नहीं 140 करोड़ भारतीयों का दिल टूटा है। उन सभी खिलाड़ियों की मेहनत पर गलत तरीके से पानी फिरा है जो कि सच में गलत है। दूसरी तरफ से दोस्तों यह खबर सामने निकल कर आ रही है कि नीता अंबानी ने आईसीसी के साथ मिलकर मीटिंग की है और यह कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर से मैच को ले कराने के लिए वह कोशिश कर रही है और इसके लिए वह भारी भरकम फीस देने के लिए भी तैयार है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ से भी ज्यादा की रकम हो सकती है मगर अब देखा जाएगा आईसीसी क्या निर्णय लेगा, अभी पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ रतन टाटा जो कि भारत के सबसे सम्मानजनक व्यक्ति हैं और बहुत ज्यादा बड़े देशभक्त माने जाते हैं, उन्होंने अपना बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारतीय टीम की हार के बावजूद भी मैं मानता हूं कि भारतीय टीम ने यह मुकाबला जीता है क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन पूरे विश्व कप में भारत ने किया है वह सराहनीय रहा है। विश्व कप भारत के लिए सिर्फ एक क्रिकेट खेल नहीं था बल्कि सभी ने इसको अपना समझकर खेला है। जब टीम खेल रही थी पूरे 140 करोड़ भारतीय इसको यह समझ रहे थे कि हम खेल रहे हैं और यह देशभक्ति का माहौल भारत में दिखाई दिया जो सच में सुकून वाला था। भारतीय टीम ने पूरी कोशिश की, विश्व कप के फाइनल तक एक मुकाबला नहीं हारी थी। ऐसे में मैं मानता हूं कि भारत की जीत की असली दावेदार थी मगर जब बाद में पता चला कि विश्व कप में फाइनल जैसे मुकाबले में गलतियां हुई हैं वह सच में निराशाजनक काम रहा। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि भारतीय टीम को फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल खेलना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा गलती नहीं हो सकती। जहां रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेल रहा था वह अच्छी पारी खेल सकता था, उसको गलत तरीके से आउट दिया। उसके बाद मैंने ध्यान दिया कि बहुत सारे एम्पायर्स ने भी गलत निर्णय लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया के पक्ष
पक्ष में थे। जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी थी तो भी एम्पायर के कॉल के कारण ऑस्ट्रेलिया को फायदे पहुंचाया गया। जब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी थी ऑस्ट्रेलिया को फायदे पहुंचे तो यह कहीं ना कहीं मिली जुली साजिश नजर आ रही, और अक्सर देखा गया ऑस्ट्रेलिया टीम ऐसा करती है तो यह कहीं ना कहीं बेकार बात है। अगर कोशिश हो सकती है आईसीसी के नियम में अगर संभव हो तो मुकाबले को फिर से कराया जाना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं था बल्कि विश्व कप था जो कि 4 से 5 साल में एक बार आता है। दोस्तों यह तो नीता अंबानी और रतन टाटा के वह बयान है जो उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी की बात दी है। सीमा को क्या लगता है भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, कमेंट में जरूर बताइए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।